नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजना। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश जीतकर बीजेपी के गढ़ की नींव हिला सकती है? अपने गठन के बाद से ही बीजेपी लगातार कांग्रेस की प्रतिद्वंदी रही है। मध्य प्रदेश में 1980 के विधानसभा चुनावों में भाजपा का पहला पार्टी को 30% वोट मिले, लेकिन फिर भी वह कांग्रेस से पिछड़ गई। मध्य प्रदेश जो इस साल के अंत में चुनाव के लिए तैयार है, हर तरह से भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा का राज्य है। आखिरकार गुजरात के अलावा यह एकमात्र राज्य है जहां पार्टी कम से कम 15 वर्षों से सत्ता में है, लेकिन राज्य में बीजेपी की जड़ें इससे भी ज्यादा गहरी हैं। भाजपा के आध्यात्मिक पूर्वज भारतीय जनसंघ या जनसंघ को राज्य में महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल थी। 1967 के विधानसभा चुनावों से लेकर 1977 में पार्टी के विघटन तक इसका लगभग 30% वोट शेयर रहा। भाजपा का गठन 1980 में हुआ था और इसने 2003 से दिसंबर 2018 और मार्च 2020 के बीच की अवधि को छोड़कर मध्य प्रदेश पर शासन किया है। क्या पार्टी एक बार फिर अपना यह गढ़ बरकरार रखेगी? राज्य में गहरी जड़ें। 1951 में राज्य में पहले विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक शाखा जनसंघ ने 76 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन लगभग 4% वोट प्राप्त करने के बावजूद कोई भी जीत नहीं पाई। 1957 में दूसरे विधानसभा चुनाव में जनसंघ ने 10% वोट शेयर के साथ 10 विधानसभा सीटें जीती। उस वर्ष पार्टी ने 127 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटें जीती। 1962 में जनसंघ 17% वोटों के साथ 41 विधानसभा सीटें जीतकर कांग्रेस के खिलाफ राज्य में मुख्य विपक्षी दल बन गया। अपने गठन के तुरंत बाद भाजपा ने राज्य में 1980 का विधानसभा चुनाव लड़ा और उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। इसने 320 विधानसभा सीटों में से 310 पर चुनाव लड़ा और 30% वोट शेयर के साथ 60 सीटें जीती। 1995 में भाजपा की सीटों की संख्या 2 सीटों यानी 60 से 58 तक कम हो गई, लेकिन वोट शेयर में 2% की वृद्धि हुई। लेकिन वो 1990 था जब बीजेपी ने पहली बार मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। पार्टी ने 39% वोट शेयर के साथ 220 सीटें जीती, एक उल्लेखनीय उपलब्धि। हालांकि सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया और 1993 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और 2003 तक इस पर काबिज रही। एक लंबी प्रतिद्वंदिता। अपने गठन के बाद से ही बीजेपी लगातार कांग्रेस की प्रतिद्वंदी रही है। मध्य प्रदेश में 1980 के विधानसभा चुनावों में भाजपा का पहला पार्टी को 30% वोट मिले, लेकिन यह अब भी अपनी सबसे पुरानी पार्टी से काफी पीछे है। 1980 और 1995 में कांग्रेस पार्टी को क्रमशः 48 और 49% वोट मिले। पार्टी ने दोनों वर्षों में सदन की 75% से अधिक सीटें भी जीती, लेकिन वह राज्य में कांग्रेस पार्टी का चरम था। बाद के विधानसभा चुनावों में पार्टी को कभी भी 41% से अधिक वोट नहीं मिले। कांग्रेस पार्टी की गिरावट का सीधा फायदा भाजपा को उस राज्य में मिला जहां मुकाबला तेजी से द्विध्रुवीय होता जा रहा था। 1993 और 1998 में चुनाव बेहद करीब थे। कांग्रेस पार्टी की गिरावट का सीधा फायदा भाजपा को उस राज्य में मिला जहां मुकाबला तेजी से द्विध्रुवीय होता जा रहा था। 1993 और 1998 में चुनाव बेहद करीबी थे। कांग्रेस के पास बहुत कम बहुमत था और इन दोनों पार्टियों के बीच वोट शेयर का अंतर केवल 2% था। दोनों चुनावों में कांग्रेस को 41% और बीजेपी को 39% वोट मिले। 2003 के बाद से बीजेपी कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। यहां तक कि 2018 के विधानसभा चुनावों में जब कांग्रेस ने भाजपा से 5 सीटें अधिक जीती, तभी भाजपा पार्टी को अधिक वोट मिले। दरअसल 2018 को छोड़कर पिछले 15 सालों में सभी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी का राज्य में दबदबा रहा है। नरेंद्र मोदी के दौर में बीजेपी एमपी में और भी ज्यादा प्रभावी हो गई है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी ने राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से 192 और 208 पर नेतृत्व किया। दोनों में पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिले। 2019 में भाजपा को 58% वोट मिले, जो मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी के लिए किसी भी चुनाव में सबसे अधिक है। इलाके को लेकर लड़ाई। मध्य प्रदेश को 7 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। बुंदेलखंड, चंबल, मध्य भारत, महाकौशल, मालवा उत्तर और मालवा आदिवासी निमाड़। इनमें से भाजपा मध्य भारत, मालवा उत्तर और मालवा आदिवासी निमाड़ में एक मजबूत खिलाड़ी रही है और राज्य के बुंदेलखंड, चंबल और विंध्य क्षेत्र में कमजोर रही है। 2018 में जब कांग्रेस और भाजपा बहुत कम अंतर के साथ लगभग 41% वोटों के साथ बहुत करीबी मुकाबले में थे,
तो यह चंबल महाकौशल मालवा उत्तर और मध्य भारत में था, जहां कांग्रेस को पिछले चुनाव की तुलना में 6% वोट अधिक मिले। चंबल में कांग्रेस को 7% वोट शेयर का फायदा हुआ। इससे पार्टी की सीट हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई और 1998 के बाद पहली बार उसने 100 से अधिक विधानसभा सीटें जीती। लेकिन चंबल अब पार्टी के लिए संसाधन नहीं रह सकता है। आखिरकार यह सिंधिया परिवार का गढ़ है, जिनके वंशज ज्योतिरादित्य सिंधिया मार्च 2020 में भाजपा में शामिल हो गए। क्या 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के पास कोई मौका है? यदि इतिहास आने वाली चीजों का कोई संकेत है तो सबसे पुरानी पार्टी का सफर खराब हो सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।